कर रहे हैं उधर अब देखिए का बनवाइए। हमारा उद्देश्य यही है कि पब्लिक को पता चलना चाहिए कि ये गिरफ्तारी जो है किस तरीके से की गई है, कितना इसमें झोल कर रखा है इन लोगों ने। पब्लिक जानती है, पब्लिक को मालूम है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों को मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हम जो रामलीला मैदान में रैली करने वाले हैं वहाँ आने के लिए। सब कुछ इसमें लिखा है, जैसे कि हमने आपके मीडियम के मीडिया के माध्यम से दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से पूरा का पूरा मैसेज में हमने दिया हुआ है। हम पब्लिक से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे ज़रूर पढ़िएगा, इसके पढ़ने के बाद में आप ज़रूर सोचेंगे। देखिए अरविंद जी, चाहे अंदर रहें या बाहर रहें, सरकार तो वही चलाएंगे, चाहे जेल से चलानी पड़े। लोगों का रिस्पॉन्स हमारे को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और रिस्पॉन्स 21 तारीख के बाद से ही हम लोग सब ग्राउंड पे हैं, और दिन रात हम केजरीवाल जी के समर्थन में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ साथ आम आदमी का भी हमारे को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, और आम आदमी भी सब इस बात से सहमत हो चुके हैं कि मोदी जी ने तानाशाही की बिल्कुल ही हद कर दी है। ये बिल्कुल एक चरम सीमा की तानाशाही है जो मोदी जी कर रहे हैं। अगर इनकी पार्टी में कोई आदमी आ जाता है तो वो सदाचारी है, अगर इनकी पार्टी में नहीं है तो वो भ्रष्टाचारी है। इसके जरिए हम लोगों को सिर्फ यही समझाना चाह रहे हैं और यही कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं मोदी जी की उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है, और गलत तरीके से लोगों को ये अपोजिशन को परेशान कर रहे हैं। केजरीवाल से वो घबरा रहे हैं क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो इंडिया गठबंधन से हारने जा रहे हैं, इस डर की वजह से।